एम ए इंग्लिश चाय वाली। यह कहानी पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक लड़की की कहानी है जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि यह कहानी काफ़ी मोटिवेट करने वाली है। तो आज हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं एम ए इंग्लिश चाय वाले के बारे में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो नमस्कार, मैं ऋषिकेश, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो पर। दुनिया के हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें ताकि समाज में उनका मान सम्मान बढ़ सके, लेकिन आज आबादी की बढ़ती रफ्तार की वजह से पढ़े लिखे युवाओं को भी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वह बेरोजगार रहने पर मजबूर है। लेकिन पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक लड़की ने इंग्लिश में एम ए की डिग्री हासिल करने के बाद चाय बेचने के साहसी कदम उठाया ताकि वह अपनी मेहनत के दम पर पैसे कमा सके। एक हाथ में एम ए की डिग्री तो दूसरे हाथ में चाय की केतली, इन दोनों विकल्पों में से आप कौन सा विकल्प चुनना पसंद करेंगे? यकीनन अगर किसी व्यक्ति के पास इंग्लिश में एम ए की डिग्री हो तो वह चाय क्यों बेचेगा। लेकिन कोलकाता में रहने वाली टुकटुकी दास एम ए की डिग्री लेने के बावजूद भी हाथ में केतली लेकर ग्राहकों को चाय सर्व करती है। टुकटुकी दास को बचपन से ही टीचर बनने का शौक था, लिहाजा उन्होंने अपना यह सपना पूरा करने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में एम ए की पढ़ाई पूरी की। लेकिन डिग्री हासिल करने के बावजूद भी टुकटुकी दास को कहीं पर नौकरी नहीं मिल पाई। ऐसे में टुकटुकी दास ने अपनी डिग्री के सहारे घर पर बैठने के बजाय कुछ अलग और बेहतर करने का फैसला किया ताकि वह अपनी मेहनत और बुद्धि के दम पर पैसे कमा सके। इसीलिए टुकटुकी दास ने इंटरनेट की मदद ली जिसमें उन्होंने एमबीए की पढ़ाई करने वाले छात्र को चाय बेचते हुए देखा। एमबीए चाय वाले से प्रेरणा लेकर टुकटुकी दास ने भी चाय का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। लेकिन टुकटुकी दास के इस फैसले से उनके माता पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वह चाहते थे कि टुकटुकी पढ़े लिख कर टीचर बने, लेकिन एमए की डिग्री हासिल करने के बाद टुकटुकी का यूज चाय बेचना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। टुकटुकी दास के पिता पेशे से ड्राइवर हैं जबकि उनकी माँ घर के पास एक छोटा सा किराने स्टोर चलाती है। ऐसे में टुकटुकी ने माता पिता की नाराजगी के बावजूद भी कोलकाता में चाय की दुकान के लिए अच्छी जगह तलाशना शुरू कर दी। आखिरकार उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह मिल गई। टुकटुकी दास ने उत्तर 24 परगना के हावड़ा स्टेशन के पास एक चाय की दुकान खोली जिसका नाम उन्होंने एम ए इंग्लिश चाय वाली रखा। इस यूनिक नाम के वजह से टुकटुकी की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा होने लगी क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि इस नाम के पीछे असल कहानी क्या है। ऐसे में टुकटुकी दास ने चाय की प्याली और स्नैक सर्व करते करते ग्राहकों को अपनी डिग्री और अपने सपनों के बारे में बताया जिसकी वजह से वह अपनी दुकान कुछ ही दिनों में चल पड़ी और इससे उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। टुकटुकी दास का मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस किसी को काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरा करना चाहिए। टुकटुकी चाहती हैं कि उनका यह चाय का बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़े ताकि कोलकाता का हर व्यक्ति उनके हाथ की चाय पिए। टुकटुकी दास के पिता प्रशांतो भी अब अपनी बेटी की कामयाबी से खुश हैं क्योंकि वह अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनते हुए देख रहे हैं। हालांकि वह चाहते थे कि टुकटुकी पढ़े लिख कर टीचर का पद संभाले और आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दें। एम ए इंग्लिश चाय वाली टुकटुकी दास, ये थी उसकी कहानी। देश के उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सही अवसर न मिलने की वजह से घर पर बेरोजगार बैठे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि डिग्री धारक व्यक्ति चाय नहीं बेच सकता, बल्कि वह बिजनेस करने का एकमात्र छोटी सी सीढ़ी है। आई होप वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मन की बात चीजें कमेंट करना न भूलें। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑल पे सेट कर लें क्योंकि आज तक ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो पर।